आई यू वन जिसे ऐसा लगता है कि जो कॉलेज फेस्ट वगैरह है वो वेस्ट ऑफ टाइम है एंड हमें पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए अच्छी प्लेसमेंट करनी चाहिए इंटर्नशिप करना चाहिए कॉलेज फेस्ट एंड ऑल में क्या फ़ायदा पार्टिसिपेट करने का और ये टाइम वेस्ट करने का दो तीन महीने काम करो एंड ऑल दैट डू यू थिंक दैट वे गाइज लेट मी टेल यू ये जो कॉलेज लाइफ है ना ये हमारे लाइफ का सबसे हैपनिंग फेज है जो कि कभी लौट कर नहीं आने वाला आपकी जॉब आपकी इंटर्नशिप आपकी प्लेसमेंट तो लाइफ टाइम है कि यार अच्छी जॉब चाहिए अच्छा कमाना है बट एक कॉलेज लाइफ जो है ना इन स्पेशली द कॉलेज फेस्ट जो आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट ही इन्जॉय और पार्टिसिपेट कर सकते हो वो कभी वापस नहीं आएगा सो इन दिस वीडियो गाइज टेल यू कि कॉलेज फेस्ट क्यों एक स्टूडेंट की लाइफ में इंपॉर्टेंट है हाउ इट गोना इम्पैक्ट योर लाइफ

आप मेरी तरह बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हो मतलब आपको ऐसा लगता होगा यार मुझे सिंगिंग नहीं आती मुझे डांसिंग नहीं आती मुझे ये नहीं आता मुझे वो नहीं आता तो कॉलेज फेस्ट में मेरा जाने का क्या फायदा सो गाइज अगर आपके कॉलेज का फेस्ट है ना तो आप एज अ सिक्योरिटी काम कर सकते हो आप एज अ पी आर एज अ मार्केटिंग एज एन ऑपरेशन जो भी काम करना चाहो करो बट मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ सम और द अदर टीम और दूसरी चीज दूसरे कॉलेज फेस्ट में जाने के लिए क्या पार्टिसिपेट करना जरूरी है सो लेट मी टेल यू इन दैट केस ऑल्सो यू कैन जस्ट गो एज एन ऑडियंस एंजॉय द परफॉर्मेंस बी द पार्ट ऑफ द क्राउड जस्ट अप्रिशिएट दूसरों का टैलेंट यू डोट हैव टू पार्टिसिपेट ऑल द टाइम अगर टैलेंट है तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करो अगर नहीं है तो यार दूसरों के टैलेंट को अप्रिशिएट करो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आई होप दैट इज क्लियर कि टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है टू बी ए पार्ट ऑफ द कॉलेज फेस्ट नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंटर्स कि कैसे आपका जो करियर है जो प्रोफेशनल लाइफ है वो कॉलेज फेस्ट से बहुत ज़्यादा क्लोज है और कॉलेज फेस्ट से आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सो so पहली चीज़ है कम्युनिटी बिल्डिंग टीम वर्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो बिकॉज टीम वर्क सुनने में तो अच्छा लगता है बट जब आप टीम में काम करते हो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लोग मिलते हैं तो एडजस्टमेंट सही तरीके से कम्युनिकेशन सही तरीके से लोगों से बात करना

प्रेजेंट करना है तो ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल वे में आपको करना ही पड़ता है बिकॉज़ देन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कॉलेज एंड योर टीम सो दैट्स द मोस्ट क्रूशियल स्किल दैट यू लर्न सो मेक श्योर करो कि आप कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट करो जो भी आपके कॉलेज का फेस्ट हो चाहे छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको सीखना है नाउ सेकेंड पॉइंट इज कल्चरल एंड एकेडमिक एक्सचेंज ना वॉट इज दैट अभी जो भी इवेंट में जब हम जाते हैं किसी भी कॉलेज इवेंट में देर आर सेवरल काइंड ऑफ़ इवेंट जो कि कुछ होते हैं अकेडमी से रिलेटेड जैसे कि आप बोल लो स्पीच हो गया डिबेट हो गया एलिकुशन हो गया द लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट एंड देन देर इज डांस म्यूजिक ग्रुप सिंगिंग वगैरह वगैरह तो अगर आप कल्चरल साइड पर हो तो आप एक हेल्दी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो अगर आप अकेडमिक साइड पर हो आपको उस तरीके का कॉम्पिटिशन पसंद है तो आप उस तरीके

और एक होता है लाइव परफॉर्मेंस देखना जिसकी एक्सपीरियंस जो क्राउड के साथ हम एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत अलग होती है सो गाइस इवन इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग गो एंड अटेंड द काइंड ऑफ इवेंट्स दैट यू लाइक नाउ थर्ड पॉइंट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दैट्स द मोस्ट क्रूशल स्किल जो कि आप बुक में या क्लासेस अटेंड करके उतना नहीं सीख पाओगे जितना आप ऑन फील्ड सीखोगे सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने कॉलेज में एक ऑर्गेनाइजर हो सो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग पीट इवेंट मैनेजमेंट टू कम्युनिकेशन टू कन्विंस पीपल टू अटेंड टू मार्केटिंग लॉट ऑफ थिंग्स सो उसमें आपका कम्युनिकेशन होता है लोगों के साथ एंड यू ऑल्सो लर्न पब्लिक स्पीकिंग बिकॉज कई बार आपको ग्रुप के सामने बोलना ता है कई बार आपको स्टेज पे इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं सिमिलरली फ्यू आर पार्टिसिपेटिंग इन सम अदर कॉलेज इवेंट देयर ऑल्सो यू ग्रो ओवरऑल लाइक आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है लोगों को बात करने से आइडियाज एक्सचेंज करने से स्टेज uh, पर बोलने से ग्रुप में बोलने से बहुत चेंज होती है आप में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है आपकी लिंगो चेंज होती है आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज होता है आपकी ओवरऑल स्टाइलिंग चेंज होती है बिकॉज ही वेदर वी एग्री और डिस एग्री अगर हम किसी बंदे या बंदी को देखते हैं जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है पर्सनैलिटी में वी ट्राई टू इमिटेट एंड बेसिक थिंग कि चाहे वो ब्रेसलेट

इम्पैक्ट करती है दैट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ हाउ यू टॉक टू पीपल एंड हाउ यू ग्रूम योर सेल्फ और ये सब के चलते नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इज नेटवर्किंग जैसे कि आपने सुना होगा कोर्ट्स में नेटवर्क इज योअर नेटवर्क जितने बेटर आपके कनेक्शन है जितने ज्यादा आप लोगों को जानते हो ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम सो फॉर एक्साम्पल यू आर अ फोटोग्राफर एंड इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी मे बी यू पार्टिसिपेट इन वन और टू ऑफ द इवेंट्स ऑफ फोटोग्राफी यू मीट लाइक माइंडेड पीपल एंड यू डू बेटर नेटवर्किंग एट टाइम्स यू मीट द जजेस हु आर प्रोफेशनल इन द इंडस्ट्री एट टाइम यू मीट हु आर हैविंग एन असाइनमेंट और हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा काम हो आपने उन्हें मेल किया या उनसे पर्सनली जाकर बात की आपके पेड असाइनमेंट आपको मिल सकते हैं सो इट इज ऑल अबाउट बीइंग द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड दैट कैन हैपन इजीली ड्यूरिंग कॉलेज फेस्ट बिकॉज़ उस टाइम पे कोई इतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होता है तो इजी हो जाता है नेटवर्किंग करना लाइक कैजुअल नेटवर्किंग जो कि लेटर ऑन आप प्रोफेशनली कन्वर्ट कर सकते हो सो मेक श्योर वेन अवर यू गो आउट इन अ कॉलेज इवेंट यू डू नेटवर्क विद पीपल गो आउट टॉक टू पीपल लाइक सामने से जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करो सो मेक श्योर दैट यू डू नेटवर्क अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं मेकिंग मेमोरीज ये मेरे साथ भी हुआ है आई थिंक आप लोगों को अगर एक्सपीरियंस हुआ होगा तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि व्हेन वी गो आउट फॉर इवेंट ऐसा होता है कि एक रैंडम स्ट्रेंजर आपका फ्रेंड फॉर एवर बन जाता है येस दैट इन ऑफ ऑफ इवेंट्स एंड आई पीपल जिनके साथ ये हुआ है सो बीट मेकिंग फ्रेंड्स और डांसिंग रैंडमली विद योर ग्रुप लाइक बिना क्लब के क्लब का एक्सपीरियंस होना बिकॉज लाइव परफॉर्मेंस हो रहे होते हैं यू नो ईटिंग रैंडम फूड लॉर्ड ऑफ थिंग्स है लाइक यू डू विद योर फ्रेंड्स क्लिकिंग पिक्चर्स हैविंग सो मेनी मेमोरीज दैट इज वॉट यू हैव टू डू गय बिकॉज हम सबको कॉलेज फेस्ट इन्जॉय तो करना ही है uh, जो काम की चीज़ें हो रही हैं वो तो चलो हम कॉन्शियसली करते हैं बट एक चीज़ होती है ना जो अनकॉन्शियसली हमें अच्छा फील कराती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है करना सो इफ़ यू हैव अ ग्रुप गो विदेम एंड फ्यू रोट हैव अ ग्रुप गो एंड मेक ग्रूप देयर ऑब्वियसली रैंडम स्टेंजे से बात करने के टाइम भी आपको लगेगा यार ये तो मेरा दोस्त बन गया है एंड देन टुगेदर यू विल स्टार्ट अटेंडिंग द कॉलेज फेस्ट सो मेक श्योर गैस दैट यू मेक मेमोरीज एंड मेक गुड अच्छा लगा हो. अगर देख रहा है तो मुझे ये रिक्वेस्ट करना है की प्लीज अलाउ यू अटेंड दई बार होता है की सात के जगह नौ बज सकते हैं बच्चे को घर आने के लिए बट यू नो लेट दम एक्सपीरियंस आई मीन मुंबई इज क्वाल से अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो सात आठ बजे तक मोस्टली इवेंट्स खत्म हो जाते हैं बट अगर कोई एक्सटेंड भी होता है तो जस्ट गिव देम लिटिल फ्रीडम टू एक्सप्लोर डोंट रिस्ट्रिक्ट देम टू सिर्फ एकेडमिक के लिए बिकॉज ये चीज़ें भी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो लेट दैम गो आउट एंड गाइज इफ यू आर अटेंडिंग कॉलेज फेयर विच वॉज द बेस्ट फॉर ट्वेंटी डू लेट मी नो इन द कामेंट बिलो एंड एज यू नो दैट वी आर कोलाबरेटिंग विद लॉर्ड ऑफ कॉलेज फेस्ट एज अ सोशल मीडिया पार्टनर स्टेट यून टू आर इंस्टाग्राम